कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान जोधपुर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। उन्होंने कहा भाजपा की नीतियों से जनता अब ऊब चुकी है, जनता अब कांग्रेस को बहुमत देगी। वहीं उन्होंने वन नेशन पर भी बोला कि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, चुनाव एक साथ आखिर कैसे संभव है, चार जगह पर एक साथ होना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बढ़ते दबाव से पायलट ने किनारा करते हुए कहा ममता सरकार को कांग्रेस का साथ नहीं है। प्रचार चालू हो चुका है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बनाया है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहां बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहाँ पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है, ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है।